मुझे सब सिखा रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे सब सिखा रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। तुम ये हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले। आजकल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इंश्योरेंस प्रॉब्लम, घर प्रॉब्लम, वाइफ प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम, तो इतने प्रॉब्लम है। बच्चे किए जाए ना तो ये कहना पड़ता है कि यार चुनला तुम ही हौसला बढ़ाना, हमारे हौसले इतने कम है कि थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाए क्या हो गया यार, कुछ नहीं हुआ है। दिल से एक दफा पुकारो, दिल से यार सुरल्लाह का नारा लगाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने जेब में रखकर कि यार सुरल्लाह आप ही ऐसे हैं जो हमारी मुश्किलात को दूर करते हैं, यार सुरल्लाह आप हमारी मदद फरमाइए। दिल से एक दफा दुरूद भी पढ़ के हुजूर को अपने इल्तिजा पेश कीजिए। हो नहीं सकता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इल्तिजा ना सुने। वो मैं कई दफा आप लोगों को पता चल रहा है जुम्मे में, जुम्मे में मैं वही बयान करता हूँ, वाकई मुझे अच्छा बड़ा लगता है। वो एक शहर का था बादशाह, उसके जमाने में एक शख्स ऐसा था सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह, उसके जमाने में एक शख्स ऐसा था जिसमें जिसके हालात बड़े खराब हो गए, बड़ा परेशान हो गया। उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया, किसी से 5 दिरहम, किसी से 10 दिरहम, किसी से 100, किसी से 1000। इतना करते करते उसकी रकम 2000 तकरीबन हो गई। वो बड़ा परेशान हुआ, तो वो बचाए पीर बाबों के पास जाने का। आज तो मुश्किल बाद में आती है, पहले टीवी ऑन करते हैं, डीएम लगाते हैं या किसी से मिला कि बाबा जी को बताते हैं कि वो हमारी मुश्किल दूर करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों का हदायत फरमाए, वो टीवी जो है अपने चैनल उनको भी हदायत फरमाए, ये अपने गुमराह ही फैला रहे हैं ऐसे शख्स। तो वो शख्स तो क्योंकि इतना कर्जा हो गया तो किसी आलिम बाअमल, आलिम नहीं सुना, आलिम बाअमल के पास गया, उसे अपना मुजरा पेश किया, अपनी जो अपनी प्रॉब्लम वो पेश की कि हजरत साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों से कर्जा ले लिया है और मुझे ये पता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं कर्जे के साथ और मेरी पकड़ है। उसने कहा कि तू सिर्फ इतना काम कर कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा कर। लड़का होगा सुभान अल्लाह, कह लो मैं सुभान अल्लाह, कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो तो देख तुम्हारी मुश्किल हाल होती है कि नहीं होती है। तो सामने मोहतरम ये मेरा भी तजर्बा है, अपना अलावा साहब अपने काय साहब का भी है, वाले साहब का भी तजर्बा है, कितने लोगों का तजर्बा है कि मुश्किल दूर होती है धुंधे पाक से, मुश्किल दूर होती है धुंधे पाक से। कोई मानता है ना माने ये बात की बात है। तो वो शख्स ने दिन ना देखा, रात ना देखी, सुबह ना देखी, शाम ना देखी, कोई ऐसा वक्त ना छोड़ा उसने जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद ना पढ़ा। एक दिन वो दुरूद पढ़ रहा था, आंख लग गई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मेरा उम्मती है, परेशान होता है और फिर तू मुझ पर कसरत के साथ दुरूद भी पढ़ता है, तो ये परेशानी को परेशानी की बात नहीं है। तो जा महमूद गजनवी को जाके एक मैसेज पहुंचा दे, एक निशानी उसको जाकर बता दे कि ये निशानी है, ये निशानी जाकर बता दे और कह कि मेरा जो ये सारा कर्जा है ये तू अदा कर। तो जब आंख खुली तो वो रात वाला ख्याल जो था वो ख्वाब थी, वो ज़हन में थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हर मोमिन शख्स के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जलवे दिखाए, क्या दुआ में। तो वो जब सुबह हुई तो वो शख्स बेदार हुआ, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गया और कहा कि ए बादशाह नीचे उतर, तेरे लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। उसने जब ये सुना कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है तो वो नीचे उतर आया, उसने अपनी सरपंच छोड़ दी, वो नीचे आया और कहा कि वाकई तुझे ऐसा इशारा हुआ है कि तू मुझे ये मैसेज हुजूर का पूछा रहा है, अगर पूछा रहा है तो तेरे पास क्या निशानी है कि वाकई तू ही शख्स है। ऐसे तो कोई भी कहता है कह सकता है कि रात को मुझे ख्वाब आई हुजूर तशरीफ लाए तो ये मैसेज है, ये क्या तेरे पास ऐसी निशानी है,
उसने कहा निशानी जो हुजूर ने मुझे ये बताई कि हर रोज फजर की नमाज के बाद तू बेशक बादशाह है, तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कसम के साथ दुरूद पढ़ा करता है 100 दफा, आज की रात तू ये दुरूद पढ़ा भूल गया, हुजूर को ये नहीं मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मालूम है कि आज की रात दुरूद पढ़ना भूल गया। तो ये निशानी हुजूर ने फरमाई और यही बताया कि तू मेरा कर्जा अदा कर। उसको ये क्या चाहिए था, उसने उसका कर्जा अदा किया। उसके बाद जो काजी थे, मशीर थे, जो उसके जो लोग फातिम जमुना ने भी ये सुना कि हुजूर का मैसेज है, सब ने उसका कर्जा अदा कर दिया। कहने का मकसद ये है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी आ जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, दिल अपना छोटा नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो भी अपनी उम्मत को याद किया, और जब दुनिया से वापस को जाए गए उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया, और ये भी फरमा गए ऐ उम्मतियो परेशान मत होना, जब महशर के दिन कोई ऐसा लम्हा आ जाए तो तुम परेशान हो जाओ, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मगफिरत करा दूंगा। तो इससे बढ़कर हमारे कुछ नसीबी क्या है कि आमना के लाल का जश्न हम मना रहे हैं, उसी को खुशियों नहीं के खुशियां मना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर रहमत फरमाएंगे इंशाल्लाह, ये दिल में ईमान रखिए। तो मैं एक नारे फिर आपको याद कराता हूँ, नारे तकबीर, और इसी नारों में ये कैमरा मैन मैं भाई वो आएंगे, नारे पड़ेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत।